हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर चिपकरू चैनल से आपके सामने आपको हार्ड डिस्क की पैटर्न चेंज करना बताऊंगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि डाटा रिकवरी कैसे करनी है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हार्ड डिस्क अगर गिर जाए, उसके हेड क्रैश हो जाए, तो किस तरीके से मैं डाटा रिकवरी करता हूँ और किस तरीके से हम डाटा रिकवरी करके सारा का सारा डाटा वापस लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज ये दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे पास ये बिल्कुल एक ओके हार्ड डिस्क है। ये दोस्तों मैंने ऑन की, बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। ऑलरेडी हार्ड डिस्क के पाथ सारे डिफाइन किए हुए हैं सेटअप के अंदर। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि इसमें विंडो चल रही है। अब ये मैंने विंडो बंद कर दी। तो दोस्तों, आज मैं इस हार्ड डिस्क को आपके सामने खोलूंगा और किस तरीके से खोलना है, किस तरीके से प्रॉपरली इसके पैटर्न चेंज करने हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले, हार्ड डिस्क का प्लेटिन उतारने से पहले, ये एक सर्जिकल ग्लोव्स होते हैं जैसे कि मैंने ज़रूर पहनना है और आपने भी इसे यूज़ करना है, क्योंकि ये डस्ट प्रूफ रूम में सारा काम होता है। अगर मैं इसे ना पहनूँ तो हो सकता है आपका डाटा रिकवर ना हो पूरी तरह। तो दोस्तों, इसको मैंने ये मैंने सर्जिकल ग्लव्स पहन लिए हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने ये कनेक्शन हार्ड डिस्क के निकाल दिए हैं। अब मैं इसे, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब ये पैटर्न खोलता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ देखो, इसके इस जगह लगे हुए हैं, इसके स्क्रू लगे हुए हैं और एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है। तो मैं धीरे धीरे सारे स्क्रू उतारूँगा और ये आराम से उतारने हैं। दोस्तों, ये जो सेंटर में नट लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, इसे भी मैंने उतार दिया। अब दोस्तों, बड़े आराम से ये कवर मैंने उतार दिया। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये हमारा मीडिया है प्लेटन, जिसके अंदर सारा डाटा रहता है। अगर किसी भी हार्ड डिस्क का हेड क्रैश होता है तो बेहतर ये होता है कि हम सेम हार्ड डिस्क लेते हैं और प्लेटन चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये हेड एज इट इज़ साइड में मैं अभी कर दूंगा, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से प्लेटन उतारने से पहले। तो दोस्तों, हेड को अचानक से आपने खींचना नहीं है, इसे पार्किंग में लाने के लिए जिस तरीके से मैं प्लेटन घुमा रहा हूँ, इस तरीके से आपने प्लेटन घुमाना है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये बड़ी आसानी से पार्किंग। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हेड पूरी तरह बाहर नहीं जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये स्टॉपर लगा हुआ है। अब मैं हेड को बाहर निकालने के लिए, पार्किंग में लाने के लिए, ये नट लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, इसे मैं खोलूँगा। तो आइए, इसे मैं बड़े आसानी से निकालूंगा। ये देखो दोस्तों, मैंने ये निकाल लिया। अब आप देखो जिस तरीके से ये हेड बाहर आ चुका है। तो दोस्तों, प्लेटन उतारने से पहले मैं हेड को इस तरफ करूंगा और मैं इसे पकड़ कर,
दोस्तों ये मैंने सारे स्क्रूज इसके उतार दिए। अब इसके ऊपर एक कवर होता है वो भी मैंने उतार दिया। अब दोस्तों मैंने इसे बड़े आराम से इसके प्लेटन को बाहर निकालना है। ये आप देखो मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ ताकि हमारा हेड भी प्रोटेक्ट रहे। फिर दोस्तों मैंने इसे सेंटर से पकड़ना है इस तरीके से। दोस्तों ये मीडिया मेरा बाहर आ चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सेम हार्ड डिस्क में, अगर मेरे पास एक सेम हार्ड डिस्क है तो उस हार्ड डिस्क के अंदर ये मीडिया मैं बड़े आराम से लगा सकता हूँ। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं इसी हार्ड डिस्क में ये मीडिया लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरी हार्ड डिस्क बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। तो दोस्तों लगाने से पहले मैंने हेड को साइड में पार्क किया और बिल्कुल सेम कंडीशन में मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया। ये हमारा मीडिया चले गया और ये मैंने फिर से कवर रखा। और उसके बाद जैसे मैंने अभी सारे स्क्रूज उतारे थे वैसे ही मैंने इसे लगा दिया। तो दोस्तों ये मैंने सारे के सारे स्क्रूज लगा दिए। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे इस मीडिया में किसी भी प्रकार का डस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर ये डस्ट आएगी तो डाटा रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। तो ये दोस्तों मैंने सारे स्क्रूज प्रॉपर टाइट कर दिए हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने ये उतारा था ये वैसे ही मैं, तो दोस्तों ये लगाने से पहले मैं हेड पहले प्लेटन पर चढ़ाऊँगा उसके बाद मैं ये लगाऊँगा। दोस्तों ये मैंने हेड लगा दिया। अब मैं इस तरीके से इसे घुमाकर यहाँ ले आया हूँ। अब मैं ये लगाऊंगा। दोस्तों मैंने यहाँ भी नट टाइट कर दिया। ये हमारा हेड प्लेटन के ऊपर आ चुका है। अब दोस्तों बड़े आराम से मैं इसका कवर लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं सेंटर वाला नट लगा रहा हूँ। चलो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने सभी के सभी स्क्रू उतारे थे मैंने वैसे ही स्क्रू सारे लगा दिए। तो ये मैंने सारे स्क्रूज लगा चुके हैं हार्ड डिस्क में। अब दोस्तों मैं इसे मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करूंगा और आपको दोबारा से जिस प्रकार मैंने विंडो चलाई थी वो चला के दिखाऊंगा कि क्या मैंने जो प्लेटन निकाल के दोबारा से लगाए हैं वो क्या प्रॉपरली सही लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसे कनेक्ट करके आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने ये सप्लाई लगाई, SMPS के साथ कनेक्ट किया और दोस्तों मैंने ये ऑन किया। तो दोस्तों ये मेरी विंडो दोबारा से चल गई जैसा कि आप देख रहे हो। तो आप आज आपको मैंने ये बताया कि किस तरीके से मैं प्लेटन चेंज किया और कैसे इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी हार्ड डिस्क के डाटा रिकवर कर सकते हो प्लेटन चेंज करके। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हेड चेंज करना भी बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना। तो थैंक यू दोस्तों।